नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 29 वर्षीय महिला का हाथ है। सवाल इनके बहुत सारे थे, मैंने सारे सवाल पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके हाथ का आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, देखिए आपके जीवन में जो एक मेजर प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी आपकी मस्तिष्क रेखा। क्यों? ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग होकर चली, ये दोनों मिलकर साथ में नहीं चली। आप किसी का तो उठा के देख लीजिएगा, सबके हाथों में जीवन रेखा के साथ चलती है मस्तिष्क रेखा, लेकिन आपके हाथ में जो आपका जीवन शैली है वो आपके दिमागी स्तर से अलग जा रहा है। ऐसे केसेस में व्यक्ति में कुछ अलग चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या, देखिए आप जैसे व्यक्ति सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, खुली सोच होती है। इसके साथ साथ आप जैसे व्यक्ति ओपन माइंडेड भी देखे गए हैं, पीठ पीछे बुराई करना पसंद नहीं आता, जोर बोलना है मुंह पर बोलते हैं। इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है। व्यक्ति मान सकते हैं जिद्दी होता है अपनी बात पूरी करने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए, किसी भी लड़ना भिड़ना पसंद करता है। अपनी बात पूरी करने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति किसी से भी लड़ जाता है। अगर अपनी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रहते हैं उन्हें खुद लेना पसंद करते हैं, अगर कोई दूसरा चीज टांग रहा है तो व्यक्ति को परेशानी होती है। इसके साथ साथ अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देंगे, लेकिन व्यक्ति जिद्दी भी होगा। इसके साथ साथ सच बोलना पसंद होता है, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते व्यक्ति। मैंने ज्यादातर जो देखा है वो कभी किसी के दबाव में काम नहीं कर पाते। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए दिया जाए और उसमें टाइम सेट कर दिया जाए कि इतने समय में इतना काम करना है, तो फिर नहीं होता। अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते, अप धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, जिस भगवान में मन लग जाए उन्हीं की जीवन भर भक्ति करते हैं, जीवन भर उन्हीं के आचरण में रहते हैं, और कभी किसी चीज पर ब्लाइंड फेथ विश्वास नहीं करते, हर चीज पर लॉजिक ढूंढने जैसी आदतें होती है। कुल मिलाकर मैं कहता हूँ ये व्यक्ति को जिद्दी बनाते। व्यक्ति जिद्दी होता है, जिद नेगेटिव चीजों में होता है, मन के चलिए जिद के नुकसान ही करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा जिद कम से कम करें। यहाँ पर आपके शुक्र पद पर देखिए, यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। आप जहां भी रहेंगे आपको पारिवारिक समस्या रहने वाली है। सबसे पहला देखिए ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या चीज पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, नेगेटिव भी सोचते हैं, बेफिजूल की चिंता रहती है, गलत संगत में पड़ने के संकेत होते हैं, और लाइफ पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है। आपके जीवन में जब भी आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी वो आएगी क्योंकि आपको परफेक्शन देखना पसंद है। आप अपने एक लाइफ पार्टनर को एक परफेक्ट रूप में इमेजिन करते हैं, और देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से लाइफ पार्टनर द्वारा चीजों पर ना खड़े उतर पाने की जो चिंता रहेगी उसमें आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। बाकी पारिवारिक समस्या भी रहती है, मित्र रिश्तेदारों से व्यक्ति को समस्या हो जाती है जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हो तो। और कहीं ना कहीं देखिए ये आपको कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करके लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, और कोई भी नया काम करने चले तो उसमें 100 टांग खींचने वाले 100 टांग अड़ाने वाले पहले जा रहे हैं। इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र पर द्वारा देख पा रहा हूँ। मंगल पर भी आड़ी रेखाएं हैं। जब मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक क्षमता में कमी आती है, जल्दी थक जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, बुढ़ापे के अंदर कमर झुक जाना, घुटनों में दर्द होना, इस समस्या भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला धरती माँ का सम्मान करना चाहिए, अगर ऐसे कार्य करते तो बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी मंगल के जो उपाय रहेंगे, इसके आड़ी रेखा के जो उपाय रहेंगे, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर पहुंचा दूंगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके जो गुरुदेव बृहस्पति है, यहाँ पर गुरु वलय बना हुआ है। देखिए गुरु वलय बनना एक शुभ निशान होता है। गुरु वलय का बनना आपके जीवन में ये दिखाता है कि आप लोगों का आप पर भरोसा है, तो जीवन में कभी भी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि वो लोगों का भरोसा वो टूट जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी कार्य करें उसमें 4 लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो कार्य कीजिएगा जिसमें एक बार को आपका नुकसान हो जाए लेकिन 4 लोगों का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो। समाज सेवा जैसे कार्य करते हैं, धार्मिक स्थल बनवाते हैं, मंदिर बनवाने में डोनेशन देते हैं, धर्मशाला बनवाने में डोनेशन देते हैं, वृद्धाश्रम अनाथाश्रम बनवाने में डोनेशन देते हैं, तो बड़ा लाभ मिलता है। आप जैसे व्यक्ति वो है कि जो आगे चल के जीवन परमात्मा के साधन बनेंगे बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए। आप जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में जब भी कोई आपके पास भिक्षुक आए, कोई भी किसी भी आशा से कुछ भी आए, वो खाली हाथ ना जाए। अगर आपके द्वार पर से कोई भी खाली हाथ जाता है तो आपके जीवन के पुण्य को घटाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हम किसी की मदद करने की कोशिश करें, अपना फायदा ना देखकर औरों का भला करने की कोशिश करें। अगर ऐसे कार्य करते तो आपको परमात्मा की सीधी नजर बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा, और जीवन में खुद की भाग्य उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये गुरु वाला ये दिखाता है। मल्टीपल सोर्सेस से इनकम भी रहेगी अगर ऐसे कार्य करते तो। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइड में ध्यान भी जाता है। शनि सही है, क्रॉस बना हुआ है। शनि पर जब क्रॉस बनता है तो जीवन में कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, अगर लोन लेते तो दिक्कत परेशानी पड़ जाएंगे। और वाहन पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वाहन लिमिट रखनी चाहिए कि एक अगर आपको एक बाइक की जरूरत है तो बाइक ही लीजिए, स्कूटी या फिर और चीजों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर एक अगर आपके जीवन में एक छोटी कार पर्याप्त है तो बड़ी कार मत लीजिए, मतलब वाहनों पर लिमिटेड पैसा खर्च करना चाहिए व्यक्ति को। इसके साथ साथ घर में अगर बेफिजूल का लोहा पड़ा है उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत देगा। बाकी शनिप्रत के जो उपाय होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। शनिप्रत आपके हाथ में दिक्कत परेशानी में मैं देख पा रहा हूँ, इसमें दिक्कत है। जब भी शनिदेव की सरसरी ढही आएगी वो आपको नुकसान देकर जाएगी। इसके उपाय जो प्रॉपर वे में होते हैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर पहुंचा दूंगा। सूर्यदेव पर देखेंगे, सूर्यदेव पर एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, लेकिन नीचे की मल्टीपल लाइंस निकल रही है। व्यक्ति को करियर रिगार्डिंग कंफ्यूजन देती है, व्यक्ति को करियर में समझ नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, कहाँ करियर बनाया जाए, कहाँ जॉब करा जाए, कहाँ बिजनेस करा जाए। बिजनेस करते तो मन करता है जॉब कर लूँ, जॉब करते मन करता है बिजनेस कर लूँ, करियर रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहती है।
शनि पर्वत दबे हुए हैं तो कहीं ना कहीं पिता से दूर जाकर रहना, पिता से संबंध खराब होना। और देखिए बुरे से बुरे केसेस में तो ये भी होता है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति का बचपन से ही पिता का सारा सर से उठ जाता है। तो मैंने ये पर्सनली देखा है, बाकी समाज में नाम सम्मान ना मिलना, संघर्ष लंबा चलना और संघर्ष करते करते बहुत समय बीत जाना और सफलता ना मिलना, इस तरह की जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की जो नेगेटिव चीजें होती है व्यक्ति जीवन में आती है, सूर्यदेव की भी आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। आप देखिए मैं आपके हाथ में मान के चल रहा हूँ कि आपके हाथ में नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वो हल्की बहुत नेगेटिव पहुंच रही है, तो उपाय आपको सबके करने की जरूरत रहेगी। बुद्ध देव पर प्रॉपर स्कोर बनना है। देखिए बुद्ध देव पर जब स्कोर बन जाए वो भी इतना सक्षम, तो अगर ऐसी जॉब करे तो जीवन में टाइम वेस्ट करता है। आप व्यापार के लिए बने, व्यापारी वर्ग का आपका हाथ है, आपकी कुंडली में भी व्यापार के उच्च योग में देख पा रहा हूँ, कुंडली अगर होगी तो उसमें भी व्यापारी बनने के पूरे पूरे योग है। शनि पर जब स्कोर बनता है तो व्यक्ति सबसे पहला बहुत बड़े लेवल का व्यापारी बन सकता है अगर बनना चाहे तो। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप बिजनेस बनाएं, बिजनेस खड़े करें, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बनाएं। व्यापार की बहुत अच्छी समझ होती है, व्यापारी बनके बड़ा अच्छा लाभ थमन कमा सकते हैं। और देखिए आपका भाग्योदय व्यापार में ही है, व्यापार ही आपके लिए बना हुआ है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर बहुत रेयर होते हैं, मैंने आज से पहले इस पर स्क्वायर देखा ही नहीं है और इसके बारे में सुना तो बहुत था, देख भी लिया। ऐसा स्क्वायर जब हाथ में होता है तो व्यक्ति बड़े लेवल का उद्योगपति, बड़े लेवल का सेठ, बड़े लेवल का व्यापारी बनता है। लाला सेठ, उद्योगपति, सेठ जी टाइप के लोग होते हैं वो रहते हैं, उनके हाथ में ऐसा बुद्ध पर्वत पर स्क्वायर पाया जाता है। पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाएगा, वाणी पूरा कंट्रोल होगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस का अगर बिजनेस करें, मीडिएटर का, एडवाइजर का, गाइडर का, तो बड़ा लाभ मिलता है आपको अपने जीवन में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूं धनुषाकार रेखा बन गई, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। जो आपकी उंगली के फ्लैंज हैं, जो राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में बड़ी अच्छी अवस्था में, आपने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। क्या कि आपने इस उंगली का नाखून बढ़ाया हुआ है, ये आपको बड़े शुभ लाभ देगा। जीवन में कोशिश कीजिएगा कि ये उंगली का नाखून बड़ा ही रहे। बाकी जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस बहुत उत्तम चलेगा। किसी तरह का बिजनेस करना चाहिए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं और जीवन में बड़े बड़े शुभ लाभ आपको जीवन में देखने को मिल जाएंगे। अगर इन्वेस्टिंग का काम करना चाहे, फाइनेंस का काम करना चाहे तो वो चल जाएगा। अपना पैसा इन्वेस्ट करना, औरों का पैसा इन्वेस्टमेंट करना, उससे प्रॉफिट बनाना, वो कार्य भी कर सकते हैं। मनी को इन्वेस्ट करके बड़ा लाभ मिलेगा आपको। जितना पैसा बैंक में सेव करेंगे उतना दिक्कत परेशानी में रहेगी, और जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, गोल्ड बॉन्ड, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, जमीन जाए, तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। ऐसे कार्य भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपकी गुरु की उंगली छोटी पड़ गई, जब गुरु की उंगली छोटी पड़ती है तो इसके कुछ विशेष लाभ होते हैं और कुछ विशेष नुकसान भी होते हैं। वो क्या किस प्रकार होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति कोई भी नया काम करने से नहीं चूकते, नया काम करने की आदत होती है, क्रिएटिव बहुत होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है व्यक्ति के अंदर, लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है, अपना भाग्य खुद बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, ये चीज रहेगी। और अगर ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अगर ईगो की वजह से बिगड़ते हैं तो व्यक्ति उन चीजों को कंट्रोल कर लेता है, ईगो साइड में रख लेता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति में जोखिम भरे कार्य करने की क्षमता होती है। अगर जोखिम भरे कार्य करेंगे, जेब में 10 लाख का रिस्क आराम से ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस काम में ज्यादा रिस्क है तो वो काम कीजिए, क्योंकि रिस्क लेके बड़ा मान सम्मान आप कमा सकते हैं। रिस्क लेके आपको अच्छा लाभ मिलेगा अपने जीवन में, रिस्की नेचर है, रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट या फिर लाभ आपके जीवन में रहेगा। यहाँ पर अगर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा में ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, और यहाँ पर आपके हृदय रेखा में मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा देख पा रहा हूँ, बुढ़ापे में दिल की बीमारी, डायबिटीज, बीपी की समस्या या फिर अदर ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी ओर संकेत आ रहे हैं, पूरे पूरे संकेत आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहला आप शुगर, जो चीनी होती है, उसका उपयोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए जिस भी व्यक्ति के हाथ में मैं ये रेखा देखता हूँ, सबसे पहले ये कहता हूँ कि चीनी छोड़िए। दूसरा, आपको सुबह सुबह वॉकिंग पर जाना चाहिए। अगर सुबह सुबह वॉकिंग पर नहीं जा सकते तो मान के चलिए आप घर में ही योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना वजन मत बढ़ने दीजिए। जीवन पर ध्यान रखिएगा, जहाँ आपका वजन बढ़ा, जहाँ आपके जीवन में आपको हेल्थ को लेकर थोड़े आप आलसी हुए तो आपको जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। कोशिश कीजिएगा कि चीनी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी जगह गुड़ एवं शक्कर का उपयोग कीजिए, बाहर का ऑयली फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, सात्विक खाना खाइए और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। फिजिकल हेल्थ में ऑपरेशन, दिल की बीमारी, बीवी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है जब आपके हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो। मित्र स्वर को बड़ा पैसा देने से बचिएगा तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मस्तिष्क का मैंने पहले देख ली थी, ये अलग हटकर चली है तो जिद्दी बनाएगा। इसके जो भी फायदे नुकसान थे मैंने पहले वीडियो में बता दिए। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा सही है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, जीवन रेखा पर ट्रायंगल बनता है तो अपने जीवन में प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे लगभग 36-38 के आसपास प्रॉपर्टी आने के योग हैं। उस समय जीवन अच्छी प्रॉपर्टी आएगी। फिर एक और ट्रायंगल है तो फिर 5 से 6 साल का एक प्रॉपर्टी आएगी, बड़ा ट्रायंगल भी है तो बड़ी प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज शुभ रहेगी, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ट्रायंगल आने के बाद धड़ाधड़ राहु रेखा का वार हुआ है तो बुरा समय आपके समय मान सकते हैं 45 का स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए जो उपाय होते हैं, देखिए राहु रेखा के उपाय होते हैं, अगर समस्या तो समाधान भी होता है, समाधान मैं आपको दे दूंगा, राहु रेखा के जो उपाय रहेंगे वो आपको दे दूंगा। आपके जीवन में दिक्कत परेशानी हेल्थ प्रॉब्लम्स है एक सर्टेन एज के बाद है, बुढ़ापे में जैसे बताया जो समस्या आएंगी वो मुझे दिख रही है, राहु रेखा के रूप में समस्या बड़ी बड़ी है। तो बस यही, जीवन रेखा मजबूत है, परमात्मा आपको बड़ा अच्छा जीवन दिया है, अगर सत्कर्म पुण्य कार्य करके, दान दक्षिणा से कार्य करके उसको और सतर्क बनाइए, मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बनिए। बाकी इसके साथ साथ जो राहु रेखा इसके उपाय अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और देखिए जो मैं उपाय देता हूँ वो इस प्रकार के होते हैं कि आपको डेली करने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझसे उपाय सुने 1-2 साल तक किए जो जोश में बाद में छोड़ दें, नहीं, उपाय आपको हमेशा करने रहेंगे, 5, 10 साल, 20, 25, 30 साल, 100 साल, हमेशा के लिए। ज्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं होते, इस प्रकार का कोई उपाय नहीं रहेगा कि आप ना कर पाए, उल्टा सीधा कोई काम नहीं रहता, उपाय आपके बढ़िया रहेंगे।
मतलब इस तरह के होंगे आप कर पाएंगे, उपाय करने सक्षम रहेंगे। चंद्र बढ़िया ट्रैवलिंग लाइन्स हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में चंद्र पर्वत पर ये क्रॉस भी हल्का सा बना हुआ है, तो ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के संकेत मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। मंगल बढ़िया है, मंगल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कोशिश कीजिएगा कि बेवजूद लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। अपनी तरफ से अगर लड़ाई सामने वाला ना करे तो आपको अपनी तरफ से लड़ाई नहीं करनी रहेगी। वैसे स्वभाव से पराक्रमी है, इसके संकेत मुझे दिख रहे हैं। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, क्योंकि देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार चल रही है, ये कटी, ये कटी, ये कटी, यहाँ पे फिर कट गई है, फिर यहाँ पर कट नहीं है, यहाँ पर कट है थोड़े से। ये देखिए, देखिए जो भाग्य रेखा होती है वो पैसे की रेखा होती है, यही जीवन में अच्छे पैसे को दिखाती है। लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा बारम्बार कटी है, यहाँ से निकली, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार भी बन रहा है। देखिए ये स्टार ही है, ये स्टार ही है। स्टार के साइन को और मजबूत करने के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए स्टार का साइन इतना मजबूत होता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो मान सकते हैं 100 नेगेटिव पॉइंट एक तरफ और ये पॉजिटिव साइन एक तरफ, और ये 100 नेगेटिव पॉइंट पर भारी पड़ जाएगा। इतना मजबूत होता है, इसको और मजबूत करने के लिए क्या करना रहेगा, आपको वृद्धाश्रम में बड़े बूढ़ों की सेवा करनी रहेगी। जिनका कोई नहीं उनके अपने बनिए, उनको जाकर अन्नदान कीजिए, खाना खिलाइए और वस्त्र दान कीजिए। नए पुराने आपकी क्षमता अनुसार है, पुराने वैसे मैं ज्यादा सोचता हूँ क्योंकि पुराने वैसे ज्यादा सही रहेंगे, क्योंकि पुराने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो उन्हें वस्त्र दान कीजिए, अन्नदान कीजिए, खाना खिलाइए। महीने में 2 बार ऐसा कार्य कर सकते हैं, महीने में 1 बार अनाथाश्रम में जाइए, महीने में 1 बार वृद्धाश्रम में जाइए, 1 महीने में 2 बार विजिट कीजिए, खाना दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, और छोटे बच्चों को जो नाथ होते हैं उनको पढ़ाई में हेल्प कीजिए। ऐसे अगर कार्य करते हैं, देखिए क्या होता है, हाथ की रेखा कभी भी एक जैसी नहीं होती, हाथ की रेखा बदल जाती है। 4 से 5 साल के अंदर मेजर चेंज आ जाते हैं, 2 से 3 साल के अंदर माइनर चेंज आते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसी रेखा बदलती रहेंगी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर वृद्धाश्रम में जाते हैं, बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद देते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो रेखा पॉजिटिव वे में चेंज होगी, जो अच्छे साइन है वो मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं आप धोखाधड़ी जैसे कार्य करते हैं, बेईमानी करते हैं, बद्दुआ लेते हैं, तो नेगेटिव साइन और बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव साइन कम हो जाएंगे, स्टार बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अच्छे कार्य करें, मुख पशुओं को खाना खिलाइए तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जो प्रॉपर उपाय थे मैं आपको डिटेल में पहुंचा दूंगा। मणिबंध पर एक ही रेखा है, इसको मजबूत करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन अगर करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह 4 बजे का, उसमें मेडिटेशन करते हैं तो लाभ मिलता है। ये रेखा पितरों को आशीर्वाद देती है, पितरों का आशीर्वाद लगा हुआ है। अगर पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं और अपने पितरों के नाम पर ही उसका सुफल दे देते हैं तो ये रेखा और मजबूत होगी। पितरों के आशीर्वाद से जिनमें और बड़ी तरक्की की ओर आप अग्रसर होंगे। सेकंड फ्लैंज जो है यहाँ पर 2 से 3 आड़ी रेखा है। जब सेकंड फ्लैंज पर 2 से 3 आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन सबसे पहला तर्क विदा करने की शक्ति अच्छी होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाते हैं। इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी अंगूठे द्वारा देख पाया हूँ। देखिए मैंने आपके पाम का सिर पूरा कर दिया है। आपके पाम की लाइट क्या थी, आपके पाम की लाइट थी पारिवारिक समस्या मेजर है, राहु रेखा है मेजर है और भाग्य रेखा में दम नहीं है, सूर्य पर्वत दबे हुए हैं। ये 4 उपाय आपको देने रहेंगे और एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी, व्यापारी वर्ग का व्यापार कीजिए, जॉब करे तो छोड़ दीजिए, मतलब छोड़िए नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। जब बिजनेस बढ़ाने लग जाए, जब आपकी बिजनेस की इनकम जॉब से ज्यादा हो जाए तो तब आप जॉब को छोड़ सकते हैं। और भाग्य रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय दूंगा, राहु रेखा ज्यादा है तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये समस्या आपको आगे जीवन में आने वाली है, तो मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिया है। बाकी अगर पुण्य कार्य करते हैं तो रेखा और मजबूत होंगी, हाथ के पॉजिटिव साइन और मजबूत हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सोलह जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।